संजीव, सबसे अहम जो प्रस्ताव पारित किया गया उसमें सबसे अहम जो दिख रहा है वो कांग्रेस जिस तरह से आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की जो ये बात कर रही है, तो कांग्रेस का ये सोशल इंजीनियरिंग का जो दाव है वो सत्ता पक्ष पर 2024 के लिए कितना भारी पड़ता नजर आएगा? देखिए, कांग्रेस की आज की तारीख में जो स्थिति है वो शायद उससे ये सब करवा रही है, क्योंकि अगर कांग्रेस इस पक्ष में होती तो आपको याद है कि एक आरोप कांग्रेस पर ये भी लगता है कि उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो 1989 में ही आ गई थी उसे 1979 में ही आ गई थी 1989 तक उसे जाहिर नहीं होने दिया, बाहर नहीं आने दिया, और फिर वीपी सिंह की सरकार ने आकर के उसे बाहर लाया और उसके बाद ये जो रिजर्वेशन है 27.5 ओबीसी रिजर्वेशन इसे लागू किया था। तो ये एक हकीकत है, लेकिन आज वही कांग्रेस अपने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव में ये कहती है कि जो ओबीसी एससी एसटी आरक्षण है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, वो जातीय जनगणना को भी कहती है कि ये होना चाहिए। अब ये सब आप अगर ध्यान से गौर से देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये सब मांग जो है ये उन दलों की है जिसके साथ आज इंडिया ब्लॉक बनाया है कांग्रेस ने। ये मांग आरजेडी की है, ये मांग जेडीयू की है, ये मांग समाजवादी पार्टी की है, ये मांग उन दलों की है जो कि कांग्रेस के खिलाफ मंडल की राजनीति करते हुए सत्ता में आए थे और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ इसलिए की थी क्योंकि मंडल कमीशन रिकमेंडेशन को कांग्रेस ने दबा रखा था और उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुवाई में मंडल कमीशन को लागू करवाया था, कानूनी लड़ाई लड़ी थी और 1993 में जाकर फिर से वो पूरी तरह से देश में लागू हुआ था। आज उसी कांग्रेस को हम देख रहे हैं कि अपने नए प्रस्ताव में वो ये बातें कह रही है जिसका शुरुआत में उससे वो बेरुख थी। ये अर्थ है सिर्फ राजनीति का, और राजनीति ऐसी आज की तारीख में जिसमें भारतीय जनता पार्टी हावी है और अकेले दम कांग्रेस के लिए ये अब आसान नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी शिकस्त दे सके। तो ऐसे में जिनके साथ वो है और जिनके बलबूते वो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में खास तौर पर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जिनके दम पर उसे हराना है, उनकी बातें जो है वो अपनी बात मानकर चल रही है ताकि जनता में ये वो संदेश दे सके कि वो भी ओबीसी की खैर ख्वाह है और वहीं दूसरी तरफ एससी एसटी आरक्षण को भी वो चाहती है बढ़ाए, वो आरक्षण की वो पैरोकार है। और इस बात को साबित करने का तरीका सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव से बेहतर नहीं हो सकता था जो कि पार्टी के हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है और इसीलिए कल उन्होंने अपने प्रस्ताव में ये बातें रख दी हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि पहले मोहन भागवत और उसके बाद तमाम दूसरे बड़े वरिष्ठ आरएसएस के जो नेता हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि आरक्षण जो है वो हमारे समाज की ज़रूरत है, हमारे देश की ज़रूरत है और जो अन्याय पिछले 5000 सालों में हुआ है कुछ वर्गों के साथ तो उसे कुछ कम किया जा सकता है, आने वाले कई सौ सालों के लिए ज़रूरत है कि आरक्षण हमारे देश में लगा रहे। तो ऐसा लगता है कि आने वाले 2024 का जो विमर्श है चुनाव का वो आरक्षण के आसपास हो गया है और ऐसे में तय करना है कांग्रेस को कि आखिर उसके मुद्दे क्या हो। तो उसने भी अपने आप को हैदराबाद में तैयार कर लिया और उसने भी वो जो मुद्दा है वो अपना तय कर लिया और ये कहना कि साहब आज की तारीख में मंडल और कमंडल अलग हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी मंडल के जो जितने भी पास्टुलेट्स हैं, जितने भी कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, सबको मानने के लिए वो तैयार है। वो खुद चाहती है कि जो आरक्षण है वो कायम ही नहीं रहे, उसे बढ़ाया भी जाए। इंदिरा साहनी जजमेंट 1993 का है जो फिक्स करता है 50% से आरक्षण बढ़ नहीं सकता है, लेकिन अब देखना यह है कि ऐसे में जब सभी राजनीतिक दल तैयार तो क्या आने वाले दिनों में एक प्रस्ताव लाया जाता है और 1993 के इस जजमेंट को निरस्त किया जाता है और कहा जाता है कि आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाया जाता है। और आखिर में यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहां समझना कि अब जो चुनावी घोषणा पत्र है वो करीब करीब इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस का तैयार हो गया है और वो चुनावी घोषणा पत्र की पहली दूसरी और तीसरी अगर हम लाइनें पढ़ें तो पहली तो ये देखिए हो जाती है कि आरक्षण जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए, दूसरी हो जाती है कि जो जातीय जनगणना है उसे करवाया जाना चाहिए और तीसरी महिला आरक्षण को पास कराया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है संजीव।